हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी, प्रोग्राम है फैसला आपका। गुज़िश्ता कुछ दिनों से इस्लामाबाद में जो निज़ामे कार है, जो ज़िंदगी है, वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हुई हुई है और इस्लामाबाद के आवाम नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं। गुज़िश्ता 4-5 जो धरने हुए उसका डायरेक्ट जो निशाना बने वो पाकिस्तान में पाकिस्तान के वफाकी दारुलहुकूमत के अवाम बने और वो थे इस्लामाबाद के अवाम। ये इस वक्त जो धरना चल रहा है, अगर आपको हम मनाजिर दिखा रहे हैं जो कि आपको नज़र भी आ रहे हैं, एक तवील लाइनें लगी हुई हैं फैज़ाबाद से लेके पीछे तक और पूरा जो पिंडी तक की ट्रैफिक है, दूसरी इस्लामाबाद तक की डी चौक को जो जाने वाली है, तमाम रस्ते ब्लॉक हैं, लोग नहीं पहुँच सकते। यहाँ तक कि जो आधे घंटे का सफ़र है वो 4.5 घंटों में तय हो रहा है। ना स्कूल कोई जा रहा है, ना एम्बुलेंस चल रही है, ना इस अस्पताल लोग पहुंच पा रहे हैं, यानी पूरी तरह से ज़िंदगी जो है वो मफलूज हुई हुई है। ये धरना जो कि लब्बैक तहरीक वालों ने रखा हुआ है, जारी किया हुआ है, चंद लोग हैं वहाँ पे, लेकिन इस धरने के जो मकासद हैं उनके ऊपर तो ज़ाहिर है बात नहीं हो पा रही और ना हो पाएगी। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि हुकूमत की रिट क्या है, रियासत की रिट कहाँ है, कब तक मुट्ठी भर अफराद जो हैं वो आएंगे और वफाकी दारुलहुकूमत को मफलूज करते चले जाएंगे, इसके ऊपर ज़रूर बात होगी और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। दूसरी तरफ आज जनाब नवाज शरीफ साहब ने कोई बहुत ही ज़्यादा चैलेंज कर दिया है अदलिया को और बहुत ही खुल्लम खुल्ला, वैसे वो पहले दिन से ही अदलिया को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो आज उन्होंने कहा है उससे बहुत से सवाल उठे हैं। जरा सुनिएगा मियाँ साहब ने एहतसाब के निज़ाम के ऊपर अपने मुतालिक जो केसेज हैं, सज़ा वो कह रहे हैं कहीं और से उनको दिलवाई जाएगी, सुनिएगा कि मियाँ साहब क्या कह रहे हैं। एक मेरा मुकदमा है, एक मनुष्यों का मुकदमा है, दोनों में असूल और ज़ाबते अलग-अलग हैं। अभी जो रिव्यू पिटीशन का जो फैसला आया है वो एक फैसला नहीं था, वो एक पैगाम था कि नवाज शरीफ को हर कीमत पर सजा दी। फाज देखें जो इस्तेमाल किए गए उस फैसले में, और एक वाज़े पैगाम था नैब अदालत को कि नवाज शरीफ को हर कीमत पे सजा देनी है, जज सजा नहीं देगा, ये सजा दिलवाई जा रही है। ये एक वाज़े पैगाम था, यानी जो फैसला भी आया है रिव्यू पिटीशन का कि नवाज शरीफ को हर कीमत पर सजा देनी है और जज जो सजा देगा ये सजा दिलवाई जा रही है, ये मियाँ साहब ने कहा है। मैं थोड़ा सा याद दहानी के लिए कि इस वक्त जो कन्फ्रंटेशन है PMLN की, और जाहिर है कि उनका इशारा किस तरफ है, कौन सजा दिलवा रहा है, ये एक अहम सवाल है, इस पर बात करेंगे। लेकिन 1 अगस्त को 2011 को मियाँ साहब ने उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी कुछ स्टेटमेंट दिया था, उस वक्त जो कन्फ्रंटेशन चल रही थी खत लिखने ना लिखने का मामला, जरा सुनिएगा मियां साहब ने उस वक्त क्या कहा था। अदलिया की जो इस वक्त महाजराई हुकूमत ने शुरू की है अदलिया के साथ, और अदलिया के साथ जो इस वक्त डिफाइंस का एक एटीट्यूड है, क्या वो मजीद पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट बनाने का तासर जो है उसको मजीद बिल्डअप नहीं करेगा। जो कंसर्न्स मियाँ साहब उस वक्त कर रहे थे कि अगर कन्फ्रंटेशन अदलिया के साथ हुकूमत की रही यानी पीपल्स पार्टी की, तो क्या पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट बनाने में मुआवनत नहीं करेगा, आज यही सवाल मियाँ साहब से भी उठाएंगे कि क्या जिस तरह की कन्फ्रंटेशन PMLN कर रही है क्या उसका डायरेक्टली नुकसान नहीं होगा। दूसरी तरफ उनके जो तहफ़ुज़ात हैं उसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने आज कुछ ख्वाहिश या ख़बर की बात की है कि शायद हुकूमत पहले चली जाएगी और इंतखाबात हो सकते हैं, लेकिन उस सूरत में कि हुकूमत चली जाए, और उनका कहना है कि शायद हुकूमत चली जाए, खान साहब ने क्या कहा जरा सुनिएगा। ये इनके ज्यादातर लोग नवाज शरीफ के साथ अब नहीं है, वो नहीं चाहते कि ये नवाज शरीफ नून लीग को इस्तेमाल करे अपनी करप्शन बचाने के लिए, खुद कुछ हमला करे अदलिया पे और एस्टेब्लिशमेंट पे, तो वो अपने आप को अलहदा कर रहे हैं। और हो सकता है कि ये गवर्नमेंट चली जाए, तो अगर ये चली जाती है, अगर इनके पास नंबर्स नहीं रह जाते, किसी सूरत इलेक्शन को डिले नहीं होना चाहिए, अगर गवर्नमेंट जाती है नवे दिन में इलेक्शन होने चाहिए।
अगर नंबर पूरा नहीं रहता तो ये कैसे पूरा नहीं रहेगा, ये एक अहम सवाल है, इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। और फिर उन्होंने आगे जाके ये भी कहा था कि आइन के आर्टिकल में मर्दमशुमारी भी का भी शिक है और इसके साथ साथ 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का शिक भी है, तो कौन सा शिक जो है वो मुकदम रखा जाएगा, इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। आज के हमारा जो पैनल है वो बहुत मोहतरम पैनल है, हमारे साथ मौजूद है साबिक चेयरमैन सेनेट जनाब नैयर बुखारी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाना माना नाम है। हमारे साथ होंगे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, रुकने को असेंबली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पे, और थोड़ी देर में हमें मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब जो कि वजीर हैं, वजीर मुमलिकत पार्लिमानी उमूर के, वो थोड़ी देर में हमें स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बुखारी साहब आपके पास आती हूँ। सर, ये जो आज पहले तो धरने पर कुछ बताइए कि ये मामला तय, सारी जमातों ने कहा कि ये मामला एक गलती थी और उसको करेक्ट किया गया जो खत्म नबूवत के हवाले से था, लेकिन अभी तक ये धरना चल रहा है, किसका फेलियर है? ये हुकूमत का फेलियर है सिर्फ, या रियासत का फेलियर है, या हम बहसियत मुआशरा इस हद तक पहुंच गए कि हमें एहसास ही बाकी नहीं रहा कि कोई मरीज है तो कोई बच्चा है, कोई स्कूल जाता है, उसके लिए रास्ते बंद हैं बिल्कुल? आपने बजा फरमाया कि जो सूरत हाल पिंडी इस्लामाबाद के मकीनों के लिए है, जो सफर पहले 20 मिनट या 40 मिनट में तय होता था, आप कई कई घंटे लग जाते हैं, और शहर से इस्लामाबाद से बाहर भी आप जाएं तो तब भी आपको जहमत, आप अंदर दाखिल हों तो तब भी जहमत। तो ये बराह रास्त रियासत की नाकामी को आप न कहें, यह हुकूमत वक्त की नाकामी कहें, क्योंकि रियासत का निज़ाम कार मौजूदा हुकूमत चला रही है। तो अगर ये नाकाम है तो फिर आप कह सकते हैं कि जी रियासत नाकाम हो गई है, तो बुनियादी जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पे आती है। और ये जो इशू था, इसको एक बात ये ज़रूर गौर करने की है कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने इसको बाय डिज़ाइन अमेंडमेंट किया जो इलेक्शन लॉज आए, या वो ओवरलुक हो गया, वो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ पहले जिम्मेदार है, मिनिस्टर ऑफ लॉ पहले जिम्मेदार थे, फिर वो सेनेट सेक्रेटेरिएट भी और वो भी नेशनल असेंबली सेनेट सेक्रेटेरिएट भी, वो भी देखते हैं कि जब कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन प्राइमरीली ज़्यादा जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ पे आती है कि उन्होंने इसको बगौर क्यों नहीं देखा, उसका क्यों नहीं जायज़ा लिया। बहरहाल जब उसकी निशानदेही हुई तो फिर उसको तस्सीह भी कर दी गई जी, और कल की आप जजमेंट भी देख लें जी, शौकत सिद्दीकी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की है शौकत सिद्दीकी साहब की, उन्होंने तो ये जो अमेंडेड भी थी इसके ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया। तो मामला सब जुडिस भी है कोर्ट में, लेकिन हुकूमत वक्त को चाहिए कि जिन लोगों ने ये धरना दिया हुआ है, ऑब्वियसली एक ऐसा सेंसिटिव इशू था कि हर मुसलमान के लिए खत्म नबूवत ईमान का हिस्सा है, आप सबका ईमान का हिस्सा है, इससे कोई इनकार नहीं है, इससे बिल्कुल कोई इनकार नहीं है भाई साहब, हो सकती बिल्कुल इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं उनका रवैया देखें, वो तो मतलब वो रहमतुल आलमीन के फॉलोवर्स हैं, तो उनको लोगों के लिए रहमत बनना चाहिए, उनके पैगाम को आगे लेके जाना चाहिए। इस वक्त तो इस्लामाबाद के अंदर उनका जो रवैया जी जी जी, मैं उसी तरह तो गुजारिश है, हुकूमत वक्त को उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए थे, उनसे गुफ्तगू शरीद करनी चाहिए थी, उनको कन्विंस करें, क्योंकि ये बड़ा मामला जो है सेंसिटिव मामला है, और उनको कन्विंस कर सकते थे कि ये सारे, लेकिन उनके जो मुतालबात हैं उनको सुने तो आज तक कोई डेलीगेशन उनसे मिला है? आज मैंने सुना है कोई कमेटी बनाई गई है जी, और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऑलरेडी पार्लियामेंट्री कमेटी राजेश अफलाक साहब की थी, राजेश अफलाक साहब के भी स्टेटमेंट इस पे आई हुई है, उसको भी कंसिडर किया जाए, और हुकूमत वक्त को देखना चाहिए कि जो कमेटी उनकी अच्छा बिल्कुल आपकी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है ना, आपकी आपकी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है इस्लामाबाद, और जाहिर है कि हम इसलिए भी ज्यादा आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, आपको क्या लगता है, एक तो ये एक हुकूमत की रिट भी है, बिल्कुल उसमें कोई शुबा नहीं है कि वो फेल हो रही है, लेकिन जब हुकूमत के ही से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर आजम ये कहते हैं कि अदलिया जो है वो फैसला करके बैठी हुई है, तो फिर किस किस्म का मैसेज जो है वो आवाम के पास जा रहा है? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी जी, आपसे आपसे डॉक्टर साहब जी जी, मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत वक्त कंफ्यूज्ड है,
हुकूमत वक्त ने पिछले 1.5 साल इसमें गुजारा है कि नवाज शरीफ को कैसे बचाया जाए। सारे मिनिस्टर्स हाई सुप्रीम कोर्ट में बैठा करते थे, कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई फाइनेंस के एतबार से कोई हाल नहीं है मुल्क का। फाइनेंस मिनिस्टर साहब बीमार हैं, 4 मिनट के लिए खड़े नहीं हो सकते, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री चला रहे हैं। तो ये जो मामला है जो इलेक्टोरल इलेक्शंस एक्ट के अंदर आया था, इसके ऊपर हुकूमत को ही तहकीकात करनी चाहिए थी। टोटल जिम्मेदारी ये है जो लोगों को परेशानी है और तकालीफ है। मेरा ख्याल ये है कि हम इसमें मुत्तफिक हैं कि खत्म नबूवत के एतबार से और तौहीन रिसालत के एतबार से हम सब अपनी जान देने को तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मगर जो मामला हुआ बिल के हवाले से, तो मैं तो आपको कह रहा हूं कि बिल्स के अंदर तो बड़ी शरारतें हुई हैं। मिसाल के तौर पर ये भी कर लिया गया कि जो आदमी डिस्क्वालिफाई हो उसको सुप्रीम कोर्ट भी डिस्क्वालिफाई कर दे, वो भी पार्टी का सदर बन सकता है। जी अच्छा, ये इसी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों के अंदर हुकूमत डेलिबरेटली शरारत कर रही थी। मुझे ये नहीं मालूम कि इसके अंदर कोई डेलिब्रेशन था या नहीं था। मेरा गालिब इम्कान ये है कि इसके अंदर डेलिब्रेशन नहीं था, ये टोटली डिस्ट्रैक्टेड थे, मगर तहकीकात होनी चाहिए। सही। एक दूसरे ये कि मैं समझता हूँ कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको दूसरों की तकालीफ का भी एहसास होना चाहिए। उनके इशू के साथ ये मामला है कि वो चाहते हैं कि जिसने अगर जानबूझ के की है तो उसको सजा दी जाए। बिल्कुल, उसमें तो वो तहकीकात होंगी। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन शहरियों का क्या कसूर है जो इस्लामाबाद में बसते हैं? ये 5वां धरना वो देख रहे हैं, 2-2 महीने के लिए जिंदगी मुअत्तल हो जाती है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, मरीज अस्पताल नहीं जा सकते। डॉक्टर साहब, आप तो खुद एक जाहिर है कि आप MNA हैं, आपको लोगों का अंदाजा होता होगा। यहाँ तो जो डॉक्टर तारिक फजल साहब हुकूमत के अंदर है उन्हें कोई इनिशिएट करना चाहिए था कि हम बात करने के पहले ही हफ्ते के अंदर या पहले ही 2 दिनों में इस मसले को तय करें। कोई बात नहीं कर रहा है, ये एक अलमिया बन चुका है पाकिस्तान का और खास करके इस्लामाबाद का। जिसका दिल चाहता है वो मुंह उठा के इधर आ जाता है इस्लामाबाद की तरफ। जी मैं पूरा इत्तेफाक करता हूं आपसे। खुद मैं जब इस्लामाबाद से टेक ऑफ कर रहा था, पिछले दिनों कराची आ रहा था, तो मैं 3 घंटे 3.5 घंटे पहले अपने घर से निकला जो नेशनल असेंबली के पास है पार्लियामेंट्री लॉजेस से, ताकि मैं वक्त पर पहुंच जाऊं। तो ऐसी तकालीफ तो सभी को हो रही है, लिहाजा मैं आपसे वाकई कह रहा हूं कि जो एक इससे हटकर बहस है, मगर इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया कि जल्दी इंतखाबात कराए जाएं। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि ये टोटल मिस गवर्नेंस का ही हिस्सा है, जिसके अंदर मईशत भी है, जिसके अंदर ये मामला भी है, जिसके अंदर कानून साजी भी है, जो एक फर्द के हद तक लिमिट होकर कानून साजी की जा रही है कि उनको बचाया जाए। तो ये टोटल फेलियर है इस वक्त हुकूमत का कि इस्लामाबाद शहर के अंदर कुछ लोग जिनकी तादाद जितनी भी है वो भी शायद खत्म नबूवत के जज्बे के साथ और तौहीन रिसालत के जज्बे के साथ सरशार हैं, मगर उनको कम से कम कन्विंस करते कोई तहकीकात अच्छा, सही तरह से करके बिल्कुल सर ये इस मसले को तो जाहिर हल करना है। मैं दूसरे उस पर आती हूँ कि मियाँ साहब ने जिस तरह से आज कहा है, और आपके ख्याल में उनका क्या मतलब है कि उनको सजा दिलवाई जा रही है? कौन उनको सजा दिलवा सकता है जनरल साहब? जनरल इजाज साहब हमारे साथ हैं मौजूद? जी जनरल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जनरल इजाज जवान साहब से हमारा रब्ता नहीं हो रहा। नैयब खैर साहब, आपके पास वापस आती हूँ, आप बताइएगा कि क्या ये जो इशारा दिया है मियाँ साहब ने कि उनको सजा दिलवाई जा रही है, ये किस हद तक दुरुस्त इशारा है और कौन उनको सजा दिलवा सकता है? देखिए बुनियादी बात सजा और जजा के जो मामलात हैं, अगर जो मुकदमात ज़ेर तजवीज़ हैं तो सजा तो मिलती है जो आपने अमल गलत किया हो, गैर कानूनी अमल किया हो और आपके पास कोई डिफेंस ना हो, तो फिर तो सजा आपके अपने अमलों से मिलती है आपको जी। आपके कारनामों से आपको सजा मिलेगी। लेकिन अगर किसी और की तरफ आपका इशारा है और वह बाजार जो उन्होंने बात की कि वो सुप्रीम कोर्ट को एलेज किया उन्होंने कि जजेस ने रिव्यू में पैगाम दिया नायब अदालत को कि इनको सजा दें, तो मैं समझता हूँ कि इस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्या रिएक्शन आता है
ये देखने वाली बात अच्छा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है कि उनका उनका रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नैयर बुखारी साहब के, उनका भी कोई रिएक्शन इस पे आना चाहिए। मोहसिन शाहनवाज राजा साहब वो तो अपनी जजमेंट के जरिए बोलते हैं जी, वो तो अपनी जजमेंट के जरिए बात करते हैं बिल्कुल। द जज ऑलवेज स्पीक थ्रू हिज पेन एग्जैक्टली, और वो उन्होंने कह दिया कि अब वो उन्होंने कह दिया। सर रांझा साहब ने भी मैं ज्वाइन किया, मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ ये बात कि क्यों मियाँ साहब ये बात बार बार कह रहे हैं कि मुझे सजा दिलवाई आए, तो खुल के उन्होंने कहा सजा दिलवाई जा रही है और जजों पे खास करके सुप्रीम कोर्ट, तो सजा और कौन दिलवा रहा है उनको सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट के हम ये पहली तो बात है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस पनामा केस के बीच में, मुझे बताएं कि ऐसा फैसला और ऐसी डिक्लेरेशंस के बाद और हर इशू के ऊपर कंक्लूड किया गया है, अब उस कंक्लूजन के साथ साथ एक सुपरवाइजरी जज भी लगा दिया गया है और वो सुपरवाइजरी जज जो है वो मॉनिटर कर रहा है नैप कोर्ट के एक जज को। देखिए कितना फर्क है सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट के बीच में मुख्तलिफ बेंचेस अपीलों के और फिर सुप्रीम कोर्ट, कितना फासला होता है। और जब एक जज के ऊपर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ जाए तो उस जज ने क्या काम करना है, वो तो अपना फ्री लीगल माइंड अप्लाई नहीं कर सकेगा क्योंकि हर इशू के ऊपर कंक्लूजन मौजूद है। जहां पे उनका इशारा अदलिया की तरफ है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ है, उनका इशारा किसी और की तरफ नहीं। वो यही बात कर रहे हैं ना, वो यही बात कर रहे हैं कि ये जो पांच रुकनी बेंच का जो फैसला है, अब देखिए ना मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जिस तरह फॉन्ट वाला मामला है कि वो फॉन्ट के ऊपर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया लेकिन उसकी कोई फोरेंसिक एविडेंस अभी तक नहीं आई, तो जब तक उसकी फोरेंसिक एविडेंस नहीं आई तो उसकी तो फर्द जुर्म नहीं मरियम नवाज पे आयद होनी चाहिए थी। वो तो पहले मेन मुकदमे में जो कि मेन मुकदमा उस हसन हुसैन का है, जब वहां पे साबित हो जाता और प्रॉपर्टीज का वो इशू रिजॉल्व होता और फिर वो लेकिन हसन हुसैन तो इश्तिहारी है, वो तो आ ही नहीं रहे, वो ना भी आए तो लेकिन फिर भी जज जो है इस केस को तो समाप्त कर रहा है उनकी गैर मौजूदगी में, जो लोग हैं मौजूद उनकी हद तक ये फर्ज जुर्म भी नहीं बनती थी। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ इतनी गलतियां हैं प्रोसिक्यूशन के लिए बायस शर्मिंदगी बनी हुई है जीआईटी रिपोर्ट, क्योंकि उनको डिफेंड नहीं किया जा रहा है। आपके जो तीन रेफरेंसेस हैं लेकिन जजों को क्या, देखिए जजों को क्या कोई पीछे कोई साजिश है ना कि जिसकी वजह से ये हो रहा है, आप वो बताना चाह रहे हैं कि साजिश के तहत ये सारा। देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि जो नैप कोर्ट का जज है वो जज जो है वो इतने प्रेशर के अंदर है, वो काम ही नहीं कर पा रहा, वो बेचारा किस तरह काम करेंगे कि जब ऊपर हाई सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बैठे हुए और एक जेआईटी रिपोर्ट मौजूद है और फिर उन जेआईटी के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिख दिया गया है। अब मैं पूरी सुप्रीम कोर्ट पे क्यों नहीं तनकीद करता, काजी फैज ईसा साहब जो हैं उन्होंने मंगी साहब के बारे में जो रिमार्क्स दिए हैं उनकी कारकर्दगी के बारे में बलोचिस्तान में, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, तो वो क्या बात कर रहे हैं। इसलिए मैं पूरी सुप्रीम कोर्ट के हम बिल्कुल नहीं है, हम अदालत उज़्मा की इज्जत करते हैं, उसके खिलाफ बिल्कुल कोई बात नहीं, हम पांच रुकनी बेंच के फैसले के ऊपर और फिर जिस तरीके से हमारा पांच रुकनी जजों के ऊपर आप ये फैसले के ऊपर पांच रुकनी बेंच के फैसले। अच्छा मैं ये जनरल साहब अगर मेरे साथ है क्विकली उनका भी कमेंट ले लूं क्योंकि उनसे राबता नहीं हो रहा। जनरल साहब मियां साहब का ये शिकवा, वो कह रहे हैं जी एक जज ऊपर बैठे हुए हैं और वो ही सारा चूके मॉनिटर कर रहे हैं, इसलिए ये एक पहले से डिसाइडेड या बायस्ड किस्म का जो फैसला है वो हो सकता है, उनको ना सुना गया ना उनके पास अपील का इख्तियार, पर जो रिव्यू पिटीशन आई उसके अंदर जिस तरह का रवैया रखा गया तो वो ये कहते हैं सब कुछ डिसाइडेड है, कोई कर रहा है ये फैसले। आपके ख्याल में उनका इशारा किसकी तरफ है? असल मैं समझता हूं कि उनका इशारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ है क्योंकि वो 8 माह से इस अदालत के सामने पेश होते रहे, जब ये कमीशन बना और उन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, फिर उन्होंने एक फैसला दिया, नया बेंच बन गया जब जमाली साहब रिटायर हो रहे थे, तो उसके बाद फिर जेआईटी बना दी गई, तो जितनी एविडेंस आ चुकी है और जितने अरसे से ये अपने दिफा में नाकाम तरीके से लगे हुए हैं, दे हैव रन आउट ऑफ आर्ग्यूमेंट, इनके पास मुझे नहीं लगता कि अपने दिफा के लिए शहादतें मौजूद हैं जिसकी वजह से ये अपना दिफा नहीं कर पा रहे, और जब अपने आप को वो डिफेंसलेस महसूस करते हैं तो अब वो चाहते हैं कि अदारों के ऊपर इल्जाम लगाएं, उनको कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि आप मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के ऊपर एतराज कर रहे हैं और आप दुनिया में जगह असाई कर रहे हैं पूरे मुल्क के अदालती निजाम की, कि अगर सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस ही आप मशकूक बना रहे हैं और आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट नैप कोर्ट को डिक्टेट कर रही है जबकि वो डिक्टेट नहीं कर रहे, किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं है, सिर्फ वो ये चाहते थे कि इनको
क्योंकि मरकजी हुकूमत भी इनकी है, सूबाई हुकूमत भी इनकी है कि अदारों को दबा कर ये प्रोसेस को डिले ना करे। गवर्नर साहब का रवैया सारा सबके सामने है, जो चेयरमैन नैब थे उन्होंने कहा जी मैं तो इस केस को सुनना ही नहीं चाहता हूँ, और नवाज शरीफ साहब समझते थे कि ये केस हुदैबिया पेपर मिल वाला या जो बाकी केसेस हैं जने साहब उसके ऊपर वो ये कह रहे हैं कि हमारे ये अनप्रेसिडेंटेड है कि कोई एक जज ऊपर बिठा दिया जाए मॉनिटरिंग के लिए। अच्छा मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैं यहीं से गुफ्तगू का आगाज करूंगी कि मियां साहब इस कदर भरे क्यों बैठे हैं और उनकी जो भड़ास है वो वाकई वो इदारों के खिलाफ वो कोई कन्फ्रंटेशन को उस लेवल पे ना ले जाए जहां वो खुद कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो मुश्किलात का शिकार हो सकता है पीपल्स पार्टी के दौर में। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे कि मियां साहब के स्टेटमेंट्स जो हैं वो तायुन कर रहे हैं उनके लबो लहजे की, जो कि इतवार को उन्होंने जलसा भी करना है, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब भी अब ये कह रहे हैं कि जो भी अब है इलेक्शन जो है वो नज़र आ रहा है और हुकूमत ख़त्म हो सकती है वक्त से पहले। मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगी, इमरान खान साहब ये क्यों कह रहे हैं कि वक्त से पहले हुकूमत ख़त्म हो सकती है, कैसे ख़त्म हो सकती है हुकूमत? अच्छा पहले तो मैं उस गुफ्तगू का जिक्र कर दूं जो इससे पहले आप कर रही थी, उसके अंदर ये बात हो रही थी कि ये नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि लोएस्ट लेवल पर पहले सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट थाने में तहकीकात हो, पुलिस थाने में हो, फिर उसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हो, फिर हाई कोर्ट में हो, फिर सुप्रीम कोर्ट में हो। हालांकि जो आदमी इंसाफ चाहता है वो तो ये कोशिश करता है कि मैं सीधा नीचे बजाय के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाऊं, मैं सीधा हाई कोर्ट में चला जाऊं और सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊं, मुझे जल्दी से इंसाफ मिल जाए। अलवी साहब ने अदालती खत्म कर दी है। जो लोग डिले करना चाहते हैं उसके अंदर, जो लोग डिले करना चाहते हैं उसके अंदर, मैं जानता हूं आसिफ जरदारी साहब ने अपनी प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी से सारे मामला इतने डिले किए कि वो टाइम बार हो गए। तो कब्जा सच्चा और दावा झूठा वाली कैफियत पाकिस्तान के कानून के अंदर है। अच्छा मैं अब ये बताइए कि असल इशू ये नहीं है कि जो कानूनी बारीकियों का आपके प्रोग्राम पर जिक्र हो रहा है कि जी सुपरवाइजरी जज बैठा हुआ है और ये हो गया और वो हो गया, असल इशू तो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की मिल्कियत थी और उसी को तय होना है कि ये मिल्कियत जायज आमदनी से थी या मनी लॉन्ड्रिंग से थी या किसी और तरह से थी, ये तय किया जाना है ना। तो राजा साहब कह रहे हैं उसके लिए सबूत होने चाहिए, सबूत पे फैसला होगा। जाहिर है सबूत पर ही होगा कि सबूत देंगे तो होगा ना, अगर सबूत है ही नहीं तो कहां से फैसला करेंगे भाई। अच्छा है ना, तो अगर सबूत नहीं है हाँ। अच्छा बार बार ये कि जी मुझे क्यों निकाला तो कोर्ट ने ये भी बता दिया। अच्छा कोर्ट ने सुपरवाइजरी जज के हवाले से भी बता दिया कि भाई ये किस लिए है, और अभी रिविजन पिटिशन के अंदर भी बड़ी तफसील से बता दिया। ठीक हो गया, लेकिन अच्छा किस लिए है सबूत आज भी सबूतों के ऊपर बात। अलवी साहब ने बड़ी अहम बात की है और इन्होंने खुद वही बात की जो मेरा भी मौकफ है कि एवन फील्ड अपार्टमेंट जो है इनकी जो इमरान खान की जो प्लीडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, मुझे यकीन है अलवी साहब ने पढ़ी भी होंगी, उसके बीच में उन्होंने जहाँ से इस सारे मुकदमे का आगाज़ होता है वहाँ पे वो मनी नवाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने कुछ मंसूबों में किकबैक्स लिए हैं और वहाँ पे करप्शन की और वहाँ से ये पैसा गया है जो मनी लॉन्ड्रू है। बिल्कुल नहीं, अब करप्शन वाली बात जो है वो डिटरमिन नहीं हुई। हाँ करप्शन वाली बात डिटरमिन नहीं हुई, ऐसा कोई और नहीं, वो बात उजर की उधर रह गई और हमें अकामा पे फारिग किया गया। अब करप्शन वाला जो एलिमेंट है वो तो अब आएगा नैप कोर्ट में, इसलिए कि पनामा के ऊपर वो ट्रायल कोर्ट है ना, वो तो ट्रायल कोर्ट ने नैप को दिया कि भाई नैप ये फैसला करे। यही बात करो, लेकिन इनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा सबूत नहीं था जो कि करप्शन को साबित करता कि मियां नवाज शरीफ ने ये अलिफ मंसूबे में से बे मंसूबे में से करप्शन की। डॉक्टर जी आप बात कर ले फिर मैं बुखार साहब जी, मैं चाहता हूं कि मुझे इंटरप्ट नहीं किया जाए क्योंकि इंटरप्ट करके बात अगर ले जाएंगे तो बात गैर मुनासिब नहीं चले। आप मैं ये कहता हूं कि मेरी 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 जो दरख्वास्त थी, हमारी जो दरख्वास्त थी वो इस बात पर थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने झूठ बोला, प्राइम मिनिस्टर साहब के अपार्टमेंट्स हैं, ये था ये कि मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन और जो वो आमदनी थी वो जायज नहीं थी। मतलब अच्छा, सुनिए हाँ बियॉन्ड देयर मींस थी ना, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ जो था इसके मामले के बगैर जायज था। हाँ जी अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि तुम ये मुकदमा सबसे पूछा कि ये 1843 में चलने पर आपको कोई इतराज तो नहीं है, तो सबने कहा कोई इतराज नहीं है। उस वक्त तो पीएमएलएन भी मानी थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। हाँ बिल्कुल, पीएमएलएन ने भी तस्लीम किया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा जी हाँ
सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 9(5) और सेक्शन 14 के तहत द ओनर्स ऑफ प्रूफ इज नॉट डॉक्टर आरिफ अलवी या इमरान खान या जो लाए हैं, द ओनर्स ऑफ प्रूफ के जब वाजे तौर पर कोई चीज नजर आ रही है और आपने इकबाल कर लिया कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स आपके हैं, जब इकबाल कर लिया ठीक है, अब तो सर अब मामला इससे आगे चला गया ना, अब तो नैप कोर्ट जो है उसने सबूत लेके आने हैं या मियां साहब ने प्रोड्यूस करके बताने हैं, और वो तो उन्होंने मान लिया हुआ है, जितना उन्होंने मान लिया हुआ है कि ये जायदादें हमारी हैं। देखिए ये जो सवाल है ना, उनको अब साबित करने की ये जायदादें तो हमें इस बात के ऊपर हमारा वो पैसा था, हमारे कारोबार थे, कारोबार का सरमाया था, वो पैसा हमने जो था अपने कारोबार का था, अब वो हम साबित करेंगे, वो माजी की है, वो 70 से शुरू होती है, अब ट्रायल चल रहा है उसके बीच में हम बता देंगे, लेकिन करप्शन का कोई पैसा नहीं है, बता दें यार अपना कारोबार का पैसा है, कारोबार के बीच में लेन देन है, कारोबारी मामला है, लेकिन करप्शन से रिलेटेड मियां नवाज शरीफ से उसके खानदानी कारोबार के बारे में सवालात करके जी वो करप्ट है, और ये गलत बात है, और वो कारोबार में पिछले 20 साल में 15 लाख रुपए टैक्स दिया है, अच्छा तो साबित तो करो टैक्स आज पर लॉ दिया गया ना, तो कोई बात अच्छा अच्छा चले साहब आज पर लॉ आपने पूछ ली वो लॉयर जी है, बहुत बहुत साबित तो करें यार सर, मैं बुखारी साहब से पूछ रही थी, बुखारी साहब ये जो अब मियां साहब को जाहिर है कि जो भी आज भी आपने प्रोसीडिंग्स जो हैं वो देखी होंगी, सबूत अब पेश करने ना स्टेज के ऊपर सबूत लेके आने कि हमारे पास जो अपार्टमेंट्स हैं इनकी आमदनी जायज थी, अब कैसे ये मामला आगे चलेगा, और आपको लगता है कि मियां साहब टोटल अब कन्फ्रंटेशन के ऊपर जाएंगे, जाहिर है उनको अपने वोटर को जवाब देना है, और ये कन्फ्रंटेशन पाकिस्तान के लिए सूदमंद होगी, वो खुद कह रहे थे कि फेल्ड स्टेट की तरफ जा सकता है पाकिस्तान 2011 में। देखें आसमा, मैं भी किया इस पे, मैं रिस्पॉन्ड करने से पहले मैं चाहूंगा कि अलवी साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब का रेफरेंस दिया तो गालिबन ये देख लेते आर्टिकल 48 इम्यूनिटी देता है, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखार चौधरी साहब ने जिस अंदाज से डिसक्वालीफाई किया यूसुफ़ज़ा गिलानी साहब को कि आप खत लिखे, और फिर वो सबसिक्वेंटली खत लिखा भी गया, तो ये जो भी सूरत हाल थी हमारे खिलाफ कोई कन्विक्शन नहीं थी, और आज भी सारे केसेस में एक्विटल है जरदारी साहब की, और फिर एक केस में अभी वो अपील नैब गया है, तो देख लेते हैं उसकी प्रोसीडिंग क्या होती है। जहाँ तक मियाँ साहब का ताल्लुक है, अभी आरिफ अलवी साहब और राजा साहब आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, ये सारे मैटर जो हैं ये इनकी अहमियत अदालत में होगी, ये सारे जो आर्गूमेंट्स हैं इनकी अहमियत अदालत में होगी कि वो फैसला करेगी कि क्या एविडेंस प्रोसिक्यूशन लेके आया और क्या एविडेंस डिफेंस में आई। बिल्कुल, बज़ाहिर जो रेफरेंसेस बने हैं और जो नैब ऑर्डिनेंस की जो सेक्शंस हैं 9 और 14, और उन पे इनका एडमिशन आ गया, इनकी एडमिशन कैटेगोरिकली आया एडमिशन कि ये प्रॉपर्टीज इनकी हैं, तो इनको एस्टैब्लिश यही करना है कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये कोई इल गॉटन मनी से नहीं है, तो अगर तो ये डिस्चार्ज कर देते हैं हम साबित करेंगे तो इनको एक विटल हो जाएगी, वो कह रहे हैं, लेकिन मियां साहब तो उससे पहले वो कह रहे हैं फैसला लिखा जा चुका है, उनके खिलाफ फैसला लिखा जा चुका है। अब मेरी बात मेरी, आप ये देखे ना जी, हाँ। फिर इनसे पूछ ले कि 20 अप्रैल के फैसले पे मिठाइयां क्यों बांटी आपने, आपने जुरिस्डिक्शन को सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को, आपने जजेस पे एतमाद किया, जब आपके खिलाफ फैसला आया तो आप जजेस के खिलाफ गुफ्तगू करनी शुरू कर दी, वैसे ये बात तो है बनी थी, हम सब कह रहे थे किस बात की, बिल्कुल बिल्कुल उस वक्त सब लोग कह रहे थे कि आप एग्री ना करते, आप डिसोसिएट कर लेते, आप उस जुरिस्डिक्शन को सबमिट ना करते, जब आपने सारी चीज सबमिट की आपने आपको अदालत के सामने, तो फिर अब जो फैसला आया आप अपना केस डिसप्रूव नहीं कर सके जो आपके खिलाफ एलिगेशंस हैं, तो फिर आप क्यों जजेस पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये तो बड़ी गैर मुनासिब बात है, और मैं समझता हूँ कि बड़ा लीनियंट व्यू ले रहे हैं जजेस अभी तक। जो मेरे बड़े भाई बात कर रहे हैं, हमने तो ये बात सोच के हम गए थे GIT के सामने, और जिस बात की खुशी हमें ये हुई थी कि चले सफाई देने का मौका मिलेगा, और फिर उस JIT के बीच में जो रवैया लोगों से सादे कागजात के ऊपर धमकियां दे के दस्तखत कराने की जिस तरह कोशिशें की, हम दरखास्तें भी दी, देखे आप एक मुल्क के वजीर आजम का ट्रायल कर रहे हैं, चलें वजीर आजम के ट्रायल को छोड़ दें, आप एक आम पाकिस्तानी का ट्रायल कर रहे हैं,
कहीं भी पुलिस की तफ्तीश में या तफ्तीशी अफसर के आगे ले गए बयानात में अगर धमकी कहीं पे आ जाए इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, हाँ। कि उसने धमकी देके ये बयान लिया, अदालत उसको नहीं कंसिडर। अच्छा जनरल साहब, लेकिन ये अब आप ये कन्फ्रंटेशन आपने कहा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मैं एक कमेंट करूंगा सर। जी जी जी, मैं एक कमेंट करूंगा। राजा साहब ने जो बात की, राजा साहब ने कहा बिल्कुल इनके एलिगेशन है उन पे, इनकी जीआईटी पे इनकी एक्विजिशन है, लेकिन जीआईटी कॉन्स्टिट्यूट ही ना होती कि अगर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था और बार बार ये कहा जाता रहा कि आप अपना डिफेंस लाएं, तो जब आप फेल हो गए अपना डिफेंस लाने के, इन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी कि चले जीआईटी में अपना डिफेंस ले आएं। तो अगर वो पहले जीआईटी, लेकिन जीआईटी में वो कह रहे हैं कि हमें तहफुजात थे जिस तरह से जीआईटी चल रही थी। बिल्कुल, मैं जनरल साहब आपसे ये पूछना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट जब मौका देती थी आपको उस वक्त आप एस्टैब्लिश कर लेते, सही हो गया। लेकिन सर जनरल साहब, आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरह से पीएमएलएन इलेक्शन तक अपनी कैंपेन चलाती है और जिस तरह से वो जाहिर है क्यों वो मानेंगे कि उनके ऊपर इल्जाम दुरुस्त है, तो इसका तो फायदा टोटली पीएमएलएन को होगा। बहुत से लोग कहते हैं, खान साहब आज ये कह रहे हैं कि इलेक्शन पहले हो जाएंगे और ये इनके बहुत से लोग निकल जाएंगे। आप ये कंसीडर करते हैं कि पीएमएलएन के अंदर वाकई रिफ्ट है, लोग छोड़ के जा सकते हैं? देखिए जी, दो तीन बातें हैं। एक तो अभी बैरिस्टर मोहसिन रांझा साहब ने शायद रवानी में कह गए, ये तो उनका दिफा करते करते जरूरत से ज्यादा आगे निकल गए। एक तो कह रहे हैं कि उनकी जायदादें ये 70s से हैं, तो ये तो एक नया इशू खड़ा हो गया। वो 93 से नहीं मान रहे थे आप, जो गल्फ स्टील की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी कि जनरल साहब, आप पाकिस्तान की सियासत में ना काफी, आप पनामा वाले केस से गैर हाजिर रहे हैं, आपको पता नहीं है गल्फ स्टील कब लगाई थी, आप मुझे बता दें। नहीं, मैं फिर जिस बात का पता ना हो उसके ऊपर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देते। और दूसरा, अभी आप कह रहे हैं कि जेआईटी ने सफेद कागज पर उनसे दस्तखत करवा लिए, जैसे वो बड़े मासूम बच्चे थे और वो जाके अंदर दस्तखत करके दे आए हैं। तो प्लीज इतने आगे ना चले जाइए, इट्स अ केस अंडर ट्रायल। तो जो अदालत में अपने आप को उन्होंने देखिए, जो मंगी साहब के बारे में कारकर्दगी के ऊपर मार्क्स दिए, उनका मैं तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दूंगा, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तुम्हें इस रेफरेंस में डालना। लेकिन ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो लोग हैं देखिए ना, जिन्होंने एक मुल्क के नौ मुंतखब वजीर आजम को घर भेज दिया और उनका कहते हैं जी किरदार, ये है किरदार, और उनका किरदार आए एक सुप्रीम कोर्ट का जज खुद बोल रहे हैं। नहीं, वो उनकी बात तो है, अगर किरदार के ऊपर मैं बात कर रहा हूं जी। तो एक सबका वजीर आजम जो आज अदालतों पर उनकी कार्रवाई पे शक कर रहे हैं, उनके खुलूस और एबिलिटीज पे शक कर रहे हैं, कल तक तो वो ये फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसले को ना माना गया तो हम इस मुल्क को हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे। और आज वो सहवानों की बस्ती में सबसे बड़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी खान साहब को कैसे लगता है कि लोग चले जाएंगे और हुकूमत जो है वो मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी? आखिरी सवाल है सर, बीच में भी हुआ वो रांझा साहब जो बात अभी राजा साहब फ्लोर पे खड़े होके कई दफा कर चुके हैं जी, वो लोग जिनकी मॉनिटरिंग की गई है और वो पीएमएलएन के खुद वर्दी पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके बारे में जो कुछ लिखा गया और जिसके फ्लोर पे भी खड़े होकर फिर ज्यादा साहब ने बात जी जी जी, आपका इशारा उनकी तरफ है डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही सर। मैं ये समझता हूँ कि ये कैफियत जो गवर्नेंस की है, ये कैफियत जो गवर्नेंस की है और जिस अंदाज से चल रही है उसके अंदर हमें ये अंदाजा है कि ये जब प्राइवेट मेंबर्स डे पर वो बिल आ रहा था जिस बिल के तहत हम ये कह रहे थे कि जी जो डिस्क्वालिफाइड आदमी है वो पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, तो इन्होंने मंडे को सेशन कॉल ऑफ कर दिया कि इसी वजह से लोग जाएंगे। सर जाना है तो अभी चले जाए ना, वो तो अभी अच्छा, अभी के अभी जा सकते हैं, वो तो मसला ही नहीं है। अच्छा, तो, मैं ये कह रहा हूँ कि मईशत खराब हो रही है, गवर्नेंस बिल्कुल नहीं है, लोग तैयार बैठे हैं इनको छोड़ने के लिए, तो इन हाउस भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जाना चाहिए, खत्म हो गया सर। ये आईनी तरीका, अपनी आईनी तरीका है, कोई गैर आईनी तरीका आयशा गुले ली है, आपकी जमात तो एक करवट तो बैठ नहीं रही, उसका तो पता नहीं बनना क्या है। भाई साहब ये बातें कर करनी है, बात हो रही है बड़े चोरों की, मैं आपसे बात कर रही हूं, आपका हाल बता रहा हूं, छोटी सी बात, आप ये कर रहे हैं यार।